और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं आजमगढ़ का, जहां पर राहुल गांधी सभा से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। हेलो माननीय, हमारे भविष्य माननीय राहुल गांधी जी, आपको हमारे धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीति यादव जिला पंचायत सदस्य आजमगढ़, एक बहुत भारी समस्या है हमारे यहाँ। जैसा कि हमारे गाँव में जा रहे हैं लोगों से निरंतर पार्टी का, इस तरह बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है कि हमारे आजमगढ़ जनपद में मात्र 1% लोग बिजली का मोटर लगाए हुए हैं, किसान पास बिजली की मोटर है। तो गाँव में हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं भैया आप ये बिजली की माफ करने के किसानों को कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास मोटर है तो हम लोगों को क्या फायदा। इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम लोगों की कर्जा माफी की बात है तो देहातों में हम लोग गाँव के पास 2% लोग कर्जा लिए नहीं कर, जिससे हम चाहते हैं जिला पंचायत की तरफ से कि जो बिजली के बिल हम लोग किसानों को बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे हैं, इनकी जो अब तक बिजली के बिल कर्जा है सर उसको हमारा प्रस्ताव रखा जाए कि वो बिल को माफ कर दिया जाए, मैंने उस कर्जे को माफ कर दिया जाए और हमारा कर्जा माफ हो जाएगा और हमारी बिजली की समस्या हो जाएगी। जैसे 90-80% लोगों में गांव में सबसे ज्यादा अगर कर्जा है किसानों का तो उनका बिजली का बिल क्योंकि नुकसान नहीं हो रहा है, उनकी फसल बर्बाद हो जा रही है, हम अपनी घरेलू कर्जा नहीं चुका पाते हैं, इससे गांव में